फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एक्स वाई जेड। जैसा कि आप लगातार देख ही पा रहे होंगे कि मैं लगातार यूपी कैडेट से संबंधित वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि यूपी कैडेट के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक, जैसे कि मैंने इससे पहले काउंसलिंग के बारे में वीडियो बनाई थी, फीस के बारे में वीडियो बनाई थी और किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है, ठीक, ये सब की वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक, उसी सीरीज में मैं आज पेड सीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कि पेड सीट क्या है और इसमें किस विषय के लिए कितने रुपए हमें फीस के साथ अदर पे करने पड़ते हैं। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा है यूपी कैडेट और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, तो लिखा है चारों कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक के सभी पाठ्यक्रम के सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के पेड सीट के शुल्क संरचना, मतलब ये केवल स्नातक जैसे बीएससी एजी बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, मतलब के सभी जितने भी स्नातक के सभी विषय के लिए इसमें हम बात करेंगे। ठीक, तो इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और पहले हम बात कर लेते हैं पेड सीट क्या है। तो जिन बच्चों को फ्री सीट नहीं अलॉट होती है तो उन्हें पेड सीट, मतलब कि कुछ रुपये देकर सीट को खरीदना पड़ता है। ठीक, तो मतलब कि यही पेड सीट होती है। अरे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है विषय बीएससी एग्रीकल्चर और निर्धारित शुल्क कितना है, 2 लाख रुपए। ठीक, निर्धारित शुल्क कितना है आपको, मतलब अगर एग्रीकल्चर में पेड सीट लेनी है तो इसका शुल्क जो है वो 2 लाख रुपए आपको देना होगा। एक मतलब कब कब देना होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है प्रवेश के समय हमें कितना देना होगा, 50,000। सेकेंड ईयर में हमें देना होगा 50,000 और थर्ड ईयर में 50,000 एंड फोर्थ ईयर में हमें 50,000, मतलब कुल हो गया 2 लाख रुपए हो गया हमें बीएससी एग्रीकल्चर की अगर पेड सीट लेनी है। ठीक, तो चारों वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गई मतलब बीएससी एग्रीकल्चर की। और हम अगर इसी सीरीज में अब दूसरी बात करते हैं, अब मतलब विषय आप देख पा रहे होंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएफएससी जिसे फिशरीज के नाम से जाना जाता है, बीएससी गृह विज्ञान और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इंजीनियरिंग एंड बीटेक डेयरी साइंस। ठीक, तो अगर इसकी हम पेड सीट की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है निर्धारित शुल्क 50,000 रुपये, मतलब कि और लिखा है कब देना होगा, केवल प्रवेश के समय ही दे होगा। ठीक, मतलब इसमें केवल एक ही बार आपको 50,000 रुपये देने होंगे। ठीक, तो आप तो ये मतलब इसमें आप बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज बीटेक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मतलब कि जो डेयरी बीएससी होम साइंस के बारे में इसमें आप अगर पेड सीट लेना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे। ठीक, तो इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, अब विषय है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी, तो निर्धारित शुल्क इसमें कितना रुपये आपको देना पड़ता है, तो इसमें 1 लाख रुपये देना होता है। देवर्ष मतलब कब कब देना होता है, 50,000 आपको कब देना होगा, तो 50,000 आपको प्रवेश के समय और 50,000 आपको तृतीय वर्ष मतलब थर्ड ईयर में देना होगा। ठीक, बीटेक में, तो ये बीटेक की बात हो गई। और अगर हम और इसके आगे बात करते हैं तो अब आ गया है बीबीएससी एंड एएचटी, तो इसमें निर्धारित शुल्क है 10 लाख रुपए। कितने आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर है कितने, 10 लाख रुपए इसका निर्धारित शुल्क है। मतलब कि अगर आपको बीबीएससी एंड एएचटी अगर पेड सीट लेनी है तो आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। कब कब देने होंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लिखा है यहाँ पर प्रवेश समय कितना देना होगा, 4 लाख रुपये। सेकेंड ईयर में कितना देना होगा, 2 लाख रुपये। और थर्ड ईयर में 2 लाख रुपये और फोर्थ ईयर में एक, मैं यहाँ पर थोड़ा कर देना, तो फोर्थ ईयर में आपको देना होगा 1 लाख रुपये और फिफ्थ ईयर में आपको देना होगा 1 लाख रुपये। ठीक, तो क्योंकि जो बीबीएससी है वो 5 साल का होता है, इसलिए आपको मतलब कि इतना ये जो यहाँ पर लिखा है उसी के क्रम में आपको यहाँ पर सब चीज़ देना, मतलब कि जितने रुपए होंगे उतना देना होगा। ठीक, तो अगर आपको बीबीएससी के पेड सीट लेनी है तो आपको 10 लाख रुपए पेड करने होंगे। मतलब कि ये पेड के जो रुपए होते हैं ये फीस के अलावा देने पड़ते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेड सीट के बारे में पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसके बाद हम एनआरआई सीट पर वीडियो बनाएंगे। और जैसे मतलब कि अगर यूपी कैडेट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या मतलब कोई भी दिक्कत अगर आप कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप उस वीडियो माध्यम से सॉल्व कर सकूं उस प्रॉब्लम को। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मतलब कि यूपी कैडेट से संबंधित रिलेटेड वीडियो लगातार लेकर आ रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। तो जय हिंद, जय भारत।